हैप्पी रक्षाबंधन एवरीवन। सो रक्षाबंधन 11 को है या 12 को है, इसी सब को सोच सोच के हम लोगों ने 12 को रक्षाबंधन किया सुबह 7 बजे। हाँ जी, तो ये मेरे पापा हैं जो सबसे पहले पूजा कर रहे हैं, और ये मेरी बड़ी बहन है, तो पूजा वगैरह सबसे ज़्यादा पापा और ये ही करते हैं, और ये दोनों हमें बताते हैं कि कैसे क्या करना है अच्छे से। तो हमारे यहाँ सबसे पहले जैसे होली पर गुलाल भी कान्हा जी को लगाया जाता है, वैसे ही सेम रक्षाबंधन पर राखी भी सबसे पहले कान्हा जी को ही बांधी जाती है। तो हम लोग ये वो कर रहे हैं सब। इस बार राखी पर हम सब लोग मेरे भाई के घर मिले हैं, यहाँ पर हम लोग रक्षाबंधन कर रहे हैं, और ये मेरी भाभी का मंदिर है, उसने बहुत अच्छे से लगाया हुआ है। ये ऊपर मेरी मम्मी है, तो वो सूट कर रही थी, अब सूट मुझे समझ नहीं आया, और पूजा में अगर ऐसा हो तो मेरी बहन डांटती है। ये हैं कान्हा जी, आपको 2 कान्हा जी इसलिए दिख रहे होंगे क्योंकि मेरी बहन इनका नियम से पूजन करती है, तो वो जहाँ भी जाती है अपने कान्हा जी को साथ लेकर जाती है। एंड शी इज माई सिस्टर इन लॉ, तो मैं बांध देती हूँ। तो अच्छा एक्स्ट्रा तो मीठे जवे बनाए जाते हैं जिनसे कि बाहर सोना पूजन बोलते हैं हमारे यहाँ, वो होगा। तो ये कनिका वो बना रही है। बाहर दरवाजों पर स्वास्तिक या इनके कैलेंडर्स भी आते हैं, वो लगा के जो आपने जवे या कुछ भी मीठा बनाया है उससे थोड़ा सा मौली लगाकर पूजन किया जाता है बाहर। यहाँ मैं छोटा सा फ्लोर सीटिंग अरेंजमेंट कर रही हूँ क्योंकि बहुत जल्दी का मुहूर्त था और बहुत सारा काम था, तो मैंने इस बार सबकी हेल्प ली थी डिकोर में। वैसे मैं अकेले करती हूँ बट इस बार मैंने सबको हेल्प के लिए बोला था। ये बीच कलर के बड़े कुशंस के साथ छोटे वाले जो कलरफुल वाइब्रेंट कुशंस होते हैं वो पॉपअप करते हैं, तो हम सब कुछ ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। ये मैं बैकड्रॉप के लिए एक कार्डबोर्ड से हैंगिंग बना रही हूँ, ये मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी दिखाया है इसीलिए मैं इसको थोड़ा स्पीडअप करके दिखा रही हूँ। ये बैकड्रॉप आप अभी जन्माष्टमी आएगी उस पर भी यूज़ कर सकते हैं, दिवाली पर या गणेश चतुर्थी पर भी यूज़ कर सकते हैं।
क्योंकि शायद मैंने पूछा था कि सेंटर में है क्या, तो ये वो है। नेक्स्ट टाइम मेकिंग सम टेसल्स गार्लैंड, ये भी मैंने पुरानी वीडियोस में दिखाया है, दैट्स व्हाई मैंने इनको स्पीड अप किया है। रिबन से बस ऐसे कोन्स बनाने हैं, आपकी मर्जी है कितने भी बनाओ, कितना लॉन्ग शॉट आपको रखना है वो, बस ग्लिटर्स ऐड कीजिए सो दैट ये यू नो फेस्टिव फील्स देता है। लाइट वेट होते हैं तो इजीली किसी भी टेप से ये वॉल्स पर स्टिक हो जाते हैं, गिरने का भी कोई डर नहीं होता इनका। और ये पापा से टेप की स्टार्टिंग हो गई फिर से। तो इधर पापा सेट की फ्यूजन रखते हैं थोड़ा, एक साइड तूने ऐसे हैंग किया है, एक साइड नॉर्मल स्ट्रेट रहने दे। आई वाज लाइक ओके, जैसे सबको अच्छा लगता है। Yes, it's true. Like festivals are family get together nowadays. तो बहुत अच्छा लगता है जब सारा you know पूरी family मिलकर हर चीज में help कर रही होती है। ये पूजा थाली भी DIY है, मैंने recently ही इसको बनाया है और इसकी video भी है मेरे channel पर, तो हम लोगों ने राखी पर इसको use किया है। So yes, I am feeling blessed कि पूजा के लिए मैंने जो बनाया है वो use किया है। So lucky to have these people in my life, my brother and sister. कि मैं हूँ, वो हमारा कोको है पीछे। तो भाभी को भी राखी बांधी जाती है और हम लोग ये इसको बांध रहे हैं राखी यहाँ पर।
तो ये दोनों मेरा भाई और मेरा नेफ्यू पैर छूने भूल गए थे, तो हम इन्हें याद दिला रहे थे कि पैर भी छुओ भाई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप सबकी राखी भी बहुत अच्छे से गई होगी और सब लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।